नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट के अंदर। हम पीछे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक में हमने पढ़ा धारा क्या होती है। धारा के बारे में हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रॉनों को या पदार्थ में वह पदार्थ कौन सा हो, धातु हो, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हमने विद्युत धारा के बारे में इतना जाना था। उसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक हमने पढ़ा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा प्रतीक हमने पढ़ा आई। आज हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा में आपको बता दूं दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को कहते हैं AC तथा दिष्ट धारा को कहते हैं DC। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा दिष्ट धारा। वह राशि जिसका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहे तथा वह राशि जिसकी दिशा भी समय के साथ परिवर्तित होती रहे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है। दिष्ट धारा में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की वह राशि जो अपने मान में समय तथा दिशा अपने मान को तथा दिशा को समय के साथ परिवर्तित करती रहे वो तो कहलाएगी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, और जो समय के साथ अपने मान व दिशा में निरंतर नियंत्र बनी रहे वह कहलाएगी दिष्ट धारा। तो मैं आपको दो साइकिल या दो वक्र बनाता हूँ, उस वक्र के आधार पर पढ़ेंगे। ये है समय T, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। प्रत्येक राशि के दो टाइप है, एक तो होगा धनात्मक दूसरा होगा ऋणात्मक। अगर कोई वस्तु धनात्मक है तो वह ऋणात्मक भी होगी। अगर वही बात करें दिष्ट धारा की तो समय के साथ इसका भी एक वक्र है, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। विद्युत धारा की वह राशि जो समय के साथ मान व दिशा बदलती रहे, क्या करते रहे, परिवर्तित करती रहे, क्या कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। जैसे यह है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का सिंबल। अब यहां देखेंगे समय है, ये समय के सापेक्ष जो समय की जो रेखा है वो सीधी रेखा है। अब ये जो चल रही है वो है विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा का चलने का तरीका। देखो अपने मान में समय के सापेक्ष मान 1, 2, 3, ये 0, 2, 3 अपने मान में हर पल के साथ बदल रही है तथा दिशा एक बार दिशा जा रही है प्लस में, दूसरी बार वापस दिशा इसकी बदल गई, फिर वापस दिशा बदल रही है, फिर वापस दिशा बदल रही है, फिर वापस दिशा, मतलब हर समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ेगा इस तरीके से अपने मान तथा दिशा में दोनों में क्या कर रहा है, घटाव या बढ़ाव कर रही है, वह राशि क्या कहलाएगी, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाएगी। वही बात करें दिष्ट धारा की
तो वह राशि जो समय के साथ सापेक्ष, ये है समय, इसके सापेक्ष अपने मान व दिशा में परिवर्तित न करे क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती या सॉरी दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहलाएगी। एसी डीसी, एसी का मतलब बदलने वाले, डीसी का मतलब सीधी चलने वाले। कई बार सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, चार डायग्राम बना के दे दिए, निम्न में से दिष्ट धारा का साइन बताओ या सिंबल बताओ, तो दिष्ट धारा का सिंबल है ये, है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का। अब जब बात करें विद्युत धारा में एसी तथा डीसी के अंदर आवर्ति की, इसकी बात करें आवर्ति, आवर्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज तथा प्रतीक होता है अब आवर्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से यहां आ गया एस। अब इस मात्र के अंदर ही हम देखेंगे आवर्ति किसकी है, हर्ट्ज। इसको पहले नाम दिया जाता था प्रति सेकंड, प्रति सेकंड काटे गए चक्रों की संख्या। चक्कर यहां पे हो गया, जब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बात करें तो पहला जो आधा चक्कर इसने काटा है वो काटा है धनात्मक, दूसरा इसने जो आधा चक्कर काटा है उसी सेकंड में वो है ऋणात्मक। अब भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी की बात करें, भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज या फिर 50 चक्कर प्रति सेकंड, या एक सेकंड में 50 चक्कर काटती है भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक आधा चक्कर धनात्मक आधा चक्कर ऋणात्मक, ये पूरा क्या हो गया एक चक्कर है। अब भारतीय जो मानक है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो यह एक सेकंड में ऐसे 50 चक्कर पूरे करती है, इसलिए भारत की मानक फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है। वहीं जो बात करें दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी की या दिष्ट धारा की आवर्ति की, तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो होती है शून्य, शून्य, क्योंकि इसमें जो चक्कर कटन चक्कर है धनात्मक ऋणात्मक यह अपने मान में क्या कर रही है परिवर्तन नहीं कर रही, इसलिए क्या कहते हैं इसकी आवृत्ति क्या है शून्य है। भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवर्ती भी 50 हर्ट्ज है, क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का हम निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर काटे गए चक्रों की संख्या या एक सेकंड समय में परिवर्तित होने वाले चक्रों की संख्या 50 चक्कर है, तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 50 हर्ट्ज है। आवर्ति के खोजकर्ता हर्ट्ज है। अब दूसरी बात यहाँ हम पढ़ें कि भारत के अंदर जो आवर्ती है उसमें कभी कमी भी होती है कभी वृद्धि भी होती है, तो दिल्ली मेट्रो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी के अंदर भारतीय मानक आवर्ती में होने वाला उतार चढ़ाव अधिकतम और मिनिमम कितना हो सकता है। यही भैया बात कर लें टॉलरेंस की, तो भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी है उसकी टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कितनी वृद्धि हो सकती है कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, वो होती है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस
3%, 50% है 1.5, या 50% की 3% की बात करें तो 3% 1.5 होता है। तो कह सकते हैं भारतीय मानक फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ोतरी होगी तो 51.5 हर्ट्ज तक तथा कमी होगी तो 48.5 हर्ट्ज तक आवृत्ति में क्या हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। एक भारतीय मानव फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 3% अपने मान में कमी कर सकती है, तो 3% बढ़ोतरी कर सकती है, 3% कमी हो सकती है। ये थी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा दिष्ट धारा। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव मतलब किसी पदार्थ या किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का रिएक्शन कितने प्रकार से होता है, क्या वह सुगमता से प्रदान कर लेगा। अगर वह सुगमता से प्रदान करता है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, तो उस चालक का कुछ न कुछ रिएक्शन होगा। जैसे देखो प्रभाव की बात करें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो प्रभाव को 5 तरीकों से देखा जा सकता है। जैसे अपन जब विद्युत धारा या वोल्टेज को छूते हैं तो अपने को एक जोरदार झटका लगता है, या उसमें अपने शरीर की कोई क्षति भी हो सकती है। उसी तरीके से हम किसी चालक में, किसी अचालक में, किसी अर्धचालक में या किसी गैस के अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक का क्या रिएक्शन होता है, उस गैस का क्या रिएक्शन होता है, उस अचालक का क्या रिएक्शन होता है, अपने मानव शरीर के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है, वही इसके क्या है प्रभाव है। तो पहला प्रभाव हम पढ़ेंगे उसमें प्रभाव। दूसरा है रासायनिक प्रभाव। तीसरा है चुंबकीय प्रभाव। चौथा है गैस आयनीकरण प्रभाव। और पांचवा है एक्सरे प्रभाव। हम पहला पढ़ रहे हैं उसमें प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे उष्मा को कहते हैं हीट, या फिर कह सकते हो हीटिंग इफेक्ट। किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका उष्मा का मतलब हीट उत्पन्न होना, या वह कोई वस्तु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वह गर्म होना, यही इसका सामान्य भाषा के अंदर पढ़े तो यही इसका क्या है प्रभाव है। पर हम इसको पूरे डिटेल से जानेंगे। उष्मा के प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक था विलियम थॉमसन। तो इसने क्या जाना, इसने पूरी बात नहीं बता पाया है। जैसे एक चालक था, इस चालक के सिरे पर इसने क्या किया, विद्युत वाहक बल आरोपित किया। लगभग बात है 1854 की। इसने जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह किया तो इसने क्या किया, जो दोनों सिरे हैं उस पे पहले तो मापा विभव, या दोनों सिरों पे विभवों का जो अंतर है, जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट अपन ने प्रवाहित की, आगे जाके इसने देखा 9.6 वोल्ट, मान के चलो 9.6 वोल्ट आगे इसने वोल्टेज मापी, तो इस चालक के द्वारा 0.4 वोल्ट की क्या होगी खपत कर देंगे। अब खपत करने के बाद उसने दोबारा देखा इसका कारण क्या है, तो इसने पाया जैसे चालक के सिरों पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिस सिरे पे विद्युत धारा प्रवाहित की उसका तापमान, इसका तापमान तथा दूसरे सिरे पे जहां पे वोल्टेज मापी तो वहां पे
तापमान मापा तो दोनों के तापमान में कुछ अंतर मिला। दोनों के तापमान में क्या मिला? अंतर मिला। तो इसने कहा उसमें मतलब जैसे ही स्पर्श किया तो वह तार गर्म था, थोड़ा गर्म होने के इसने कहा जैसे ही किसी चालक पदार्थ में या किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है और जिसके कारण वह विभव की या वोल्टेज की खपत करता है। यह बात बताई थी विलियम थॉमसन ने। उसके बाद में इसके बारे में यह विद्युत धारा का खपत क्यों करता है या वोल्टेज क्यों खपत करता है या गर्म क्यों होता है इसके बारे में यह पुष्टि नहीं कर पाया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जूल, इसने एक समीकरण दी। पहले समीकरण बता दूंगा आपको, एच एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच का मतलब है यहां पे हीट, फिर धारा, आई का मतलब धारा, फिर प्रतिरोध, फिर समय। तो जूल ने बताया जब किसी चालक के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। दूसरी बात, मेन इसका जो कारण है वो है उस पदार्थ का प्रतिरोध। प्रत्येक चालक पदार्थ, प्रत्येक धातु या कि कोई भी पदार्थ हो जिसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा वह विद्युत धारा का विरोध करेगा। विद्युत धारा का विरोध होने के कारण होने वाले घर्षण या जो इसमें विद्युत धारा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, टकराव, घर्षण होगा, जिसके कारण तार क्या होता है, गर्म होता है। यही इसका क्या है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। इसके उपयोग देखें, उपयोग की बात करें तो हीटर में, दूसरी बात विद्युत केतली, गीजर इत्यादि। हीटर हो गई, विद्युत केतली हो गई, गीजर हो गई इत्यादि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा बता दूं कि हीटर के अंदर एक तार होता है जो टंगस्टन या हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद अपने को हीट उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से अपने को उष्मा मिलेगी। उसी प्रभाव को ये हीटर, विद्युत केतली, गीजर ये सभी उष्मीय प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं। अगला है हमारे पास रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव के अंदर रासायनिक जैसे आ गया केमिकल इफेक्ट। रासायनिक प्रभाव के बारे में हमें सर्वप्रथम पता चला वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा, या भी रासायनिक प्रभाव कह सकते हो कोई ऐसा विलयन जो कि अम्ल भी हो सकता है, जो क्षार भी हो सकता है, जो दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, कोई धातुओं का मिश्रण भी हो सकता है। मतलब यह क्या होना चाहिए, द्रव्य। रासायनिक प्रभाव की बात करें, किसी द्रव्य जो कि अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, नमक का विलयन हो सकता है, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, किसी द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह द्रव अपने आयनों में विभक्त हो जाए, क्या कराएगा, विद्युत धारा का रसायन। यह सब आयनों में विभक्त होना इसकी वजह से, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की वजह से। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युतिक आयनों में विभक्त होना प्रक्रिया कहलाएगी विद्युतिक उपघटन, अपघटन। जैसे रासायनिक प्रभाव की बात करें तो एक पदार्थ, एक पात्र है
इस पात्र के अंदर कुछ न कुछ द्रव भरा है। द्रव मान लो, द्रव है ये CuSO4 कॉपर सल्फेट। जैसे ही इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड या पॉजिटिव, दूसरा कैथोड या फिर नेगेटिव, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव से, नेगेटिव सिरे को नेगेटिव सिरे से, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो विलयन भरा है द्रव्य है कॉपर सल्फेट का, वह आयनों में विभक्त हो जाएगा। कैसे? इसमें जो अणु है वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है Cu+ तथा SO4- में विभक्त हो जाएंगे। कॉपर सल्फेट विलयन था, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये दोनों विद्युत धारा, ये दोनों अपने आयनों में विभक्त हो गए। एक तो बन गया कॉपर जिसपे धनात्मक चार्ज आ गया, दूसरा बन गया सल्फर जिसमें ऋणात्मक चार्ज आ गया। एनोड सिरा होता है जिस सिरे से विलयन में या द्रव्य में विद्युत धारा प्रवेश करती है, क्या कहलाता है? एनोड सिरा। और जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा पूरे विलयन से बाहर निकलती है उस सिरे को कहते हैं कैथोड सिरा। तो रासायनिक प्रभाव यही है कि किसी द्रव्य में द्रव ऐसा जो कि सुचालक हो, जैसे अम्ल, क्षार, नमक का घोल NaCl नमक का घोल, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव दो अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। ये क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक था ओरेस्टेड। तो इसने कहा किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे इसने खोज की तो एक बैटरी थी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस बैटरी को दो सिरे, जैसे इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध था, दोनों सिरों के बीच में जैसे इसमें विद्युत धारा सप्लाई की, एक सिरा था पॉजिटिव दूसरा था नेगेटिव, तो इस एक चालक लिया इसके बीच में, एक चालक दोनों सिरों के बीच में एक चालक रखा। उस चालक के सिरे के थोड़े से दूर पास में एक क्या ली, निडल या एक सुई ली। चुंबकीय प्रभाव की खोज की ओरेस्टेड ने। चुंबकीय प्रभाव होता क्या है वो आपको बता दूं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब जैसे ही बात करें तो ओरेस्टेड ने इसकी खोज कैसे की? एक बैटरी ली, बैटरी जैसे एक चालक लिया, उस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, वो चालक था नंगा, जिसको मतलब कह सकते आवरण मुक्त था। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कुछ समय के पश्चात इन्होंने क्या किया, एक सुई, लोहे की सुई को इसके पास में रखा चालक के, और जैसे ही रखने के बाद में देखा तो कुछ ही समय में जो सुई है, सुई में कुछ विक्षेपण हुआ, मतलब वो सुई हिलना स्टार्ट हो गई। तो हिलने का कारण इसके बताया, चालक के चारों का कुछ क्षेत्र है, कोई
क्षेत्र बन गया। जैसे विद्युत धारा पहले प्रवाहित नहीं थी तो सुई पड़ी थी, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उसके पास में थोड़ी सी सुई क्या रही हिलना, या फिर ऐसा समझ सकते हो इसके पास में चिपक गई। ऐसा हुआ तो इसने बताया ऐसा चुंबकीय प्रभाव के कारण हुआ। उसके बाद में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने क्या किया, एक स्थायी चुंबक ली N और S, एक चुंबकीय सुई ली या स्थायी चुंबक ली, उस चुंबक के क्षेत्र के अंदर किसी चालक को लाया गया तो इन्होंने एक डायनमो का निर्माण किया जिससे कुछ ना कुछ वोल्टेज उत्पन्न हुई। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करवा के माइकल फैराडे ने विद्युत धारा का निर्माण किया या वोल्टेज को उत्पन्न किया। ये जैसे माइकल फैराडे को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब चुंबकीय इन्होंने जो अध्ययन किया डायनमो का निर्माण किया, जैसे कहते हैं छोटा जो डायनमो काम में होता है साधन के अंदर, कार बैटरी कार के अंदर उपयोग होता है उसका निर्माण किया, जैसे जनरेटर का भी आप समझ सकते हो। तो इन्होंने क्या किया चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन करवा के विद्युत को उत्पन्न किया। जैसे चल विद्युत के खोजकर्ता किसे कहा जाता है, माइकल फैराडे को कहा जाता है। उसके बाद में अगला था अपने पास गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस का मतलब एक गैस को आयनीकरण मतलब आयनों में विभक्त करना। जैसे एग्जांपल के रूप में बता दूं निर्वात में जैसे एक अपने पास क्या है बल्ब है, एक बल्ब है उसके दो सिरे, बात से यहां समझ सकते हो गैस आयनीकरण मतलब गैस का आयनीकरण होना। जो बड़े लैंप है उसको इसमें भरी होती है गैसें, जैसे मरकरी वेपर, मान लो आप मरकरी वेपर लैंप बड़े बड़े स्थानों में या रोड लाइट के अंदर जिसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही इन दोनों सिरों के ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं प्लस और माइनस, तो ये हीटिंग एलिमेंट जो गर्म होगा, पहली बात तो इसका प्रतिरोध, जैसे ही वह गर्म होगा गर्म होने के बाद ये क्या प्रदान करेगा उष्मा। जैसे इसने उष्मा प्रदान की तो जो बल्ब है उसके अंदर मरकरी वेपर गैस भरी होती है, वह मरकरी वेपर गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी और आयनों में विभक्त होने के कारण जिस यह टकराएगी हीटिंग एलिमेंट से और यहाँ से क्या उत्पन्न होगा प्रकाश। तो इसे प्रकाशीय प्रभाव भी बोल सकते हो या फिर गैसीय प्रभाव भी बोल सकते हो। हीटिंग एलिमेंट का गैस के साथ टकराव होना या हीटिंग उष्मा की वजह से गैस के आयनों में विभक्त हो जाना कौन सा प्रभाव है, आयनीकरण प्रभाव। इसका उपयोग करते हैं मरकरी और प्लेनेट या बड़े बड़े स्थानों बड़े बड़े लैंपों में इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करवाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में अपना अगला प्रभाव है एक्सरे प्रभाव। एक्स का मतलब एक्स किरणें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटजेन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, अपने जैसे मानव बॉडी है उसको छाया चित्र बनाने के लिए इसका उपयोग, या उसकी हड्डियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए, या एक्सरे अपकर्षका हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे बनाओ ज्यादातर वहां उपयोग करना। आगे खोज क्यों हुई, देखो पहली बात अधिक आवर्ती तथा अधिक वोल्टेज पर इसका उपयोग किया जाता है। अब इनको
जनरेट कैसे किया जाता है? तो दो इलेक्ट्रोड, एक तो हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन दोनों सिरों को किसमें रखा जाता है? निर्वात में रखा जाता है। ये क्या है? निर्वात। इससे जोड़ दिया प्लस, इससे जोड़ दिया माइनस। एक बार आपको बता रहा हूं एक्स किरणों की खोज कैसे हुई। तो इन्होंने क्या किया, एनोड से जैसे विद्युत धारा प्रवाहित प्रवेश हुई तो एक सिरे पे क्या थे, या कैथोड से इसको किससे जोड़ दिया गया, फिटिंग एलिमेंट से जोड़ दिया गया। यहाँ पे है बात निर्वात की। गैस आयनीकरण प्रभाव के अंदर हमने पढ़ा बीच में बात किसकी थी, गैस की। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन किस पे पड़े, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर था, एक रिफ्लेक्टर का उपयोग हुआ। वह क्या करता है, पूरे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। पहली बात तो यहाँ पे अपने को दो चीजों की आवश्यकता होगी, अधिक वोल्टेज की तथा अधिक आवर्ती की। अधिक आवर्ती की किरणों को या विद्युत धारा को जैसे ही रिफ्लेक्टर पर गिरवाया जाए तो रिफ्लेक्टर एक विद्युत प्रकार की जो किरणों को क्या करेगा, छोड़ेगा, और उन किरणों को किसका नाम दिया जाता है, एक्स रे किरणों या एक्स किरणों का खोज किया गया। एक्स किरणों को, उस किरणों को एक्स किरणें कहा गया। ये थे अपने पास विद्युत धारा के उसमें रासायनिक चुंबकीय गैस और एक्स रे प्रभाव। धन्यवाद।